हाय अंकल। आओ बेटा, अर्ज किया है। मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाते। मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाते हैं। वो मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। दैट्स नाइस। दैट सन इज योर फादर। सिट डाउन। मगर एक बार भी फिर तुमने मुझे अंकल बोला ना, तो यहीं से नीचे फेंक दूंगा। अच्छा चल बता, कैसा है बुड्ढा? ठीक है, नथिंग मेजर। घर ले आए हैं। घर घर बिका नहीं अभी तक? घर घर में नहीं बेच रहा। पर तुम तो घर, साइट, ये सब बदलने के लिए आए थे ना बड़े शहर से। दैट्स नॉट फेयर। पहले तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, और दूसरा आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले, मिस्टर खान? अच्छा मैं कौन? गुस्सा। गुस्सा तो बेटा सीधा तुझे अपने बाप से मिला है। और ये तो तू भूल ही गया, मैं वो इंसान हूं जिससे तुम मिलने आए हो अपने बाप को समझाने के लिए। कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक बेटा। वाई आर यू एनेबलिंग हिम? आपको क्या लगता है, उनकी जिद सही है? जब कंगाल हो जाएंगे तब समझ में आएगा। पहली गलती बेटा, पैसा और तेरे बाप का रिश्ता काफी बेगरज है। और अब मुझे नहीं लगता, पर एक जमाने में वो एक खानाबदोश आदमी था। वो क्या था इब्ने इंशा का, वैशी को सुकून से क्या मतलब, और जोगी का नगर में ठिकाना क्या बेटा? सो व्हाट हैपेंड? नीना हैपन्ड एंड देन यू हैपन्ड, फिर शादी, जिम्मेदारी। वो ये सब छोड़ना नहीं चाहती थी तो अटक गया बेचारा। पर मुझे तो लगा माँ और पा खुश थे। मुझे भी लगा था कि उसने पैर घुमाने छोड़ दिए, फिर नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर आधी अधूरी डिग्री के साथ क्या मिलता। और फिर नीना ने उसे कैंप साइट चलाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और माधव को लगने लगा कि वह अलग-अलग लोगों से मिलेगा तो काम भी होता रहेगा और बंदे का मन भी लगा रहेगा।